मनपसंद समर बेरीज। चेरीज दोस्त हमेशा साथ रहती हैं, पर एक समय आता है जब उन्हें अलग होना पड़ता है। क्या अब वो कभी नहीं मिलेंगी? ओह नो। हे गर्ल, फिर से मुलाकात हो गई। कई बार फ्रेंच फ्राइज हाथ नहीं आते, पर बॉब के पास उसके अपने तरीके हैं। ये बेहतर है। इस फ्री मैराथन में विनर है बॉक्स। बॉब को उसकी जीत की बधाई हो। क्या आप जानते थे आइसक्रीम कितनी एडवेंचर से भरी होती है? हाँ हाँ, एडवेंचर तो उसका हर बार का काम है, जैसे कि पिस्टेशियो सिरप की बारिश में भीगना। क्या बात है, वो और क्या सोच सकती है। वो शोर करने वाले और मजेदार दोस्तों से मिल सकती है। दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा दिलचस्प है, आपको नहीं लगता? मार्शमेलोज की दुनिया में सब कुछ मुलायम नहीं होता, कभी कभी उन्हें दुष्ट सिपाही से भागना पड़ता है। उनकी किस्मत कितनी खराब है, निक के कांटे से कोई नहीं बच सकता। बेचारे मार्शमेलोज। मुश्किल हालात के बारे में आपको क्या पता, टोस्ट की जिंदगी में बच पाना एक स्ट्रगल है, जहां उन्हें हर बार शैतान सताने वाले से बचना पड़ता है। 10 सेकंड्स बचे हैं, उन्हें जल्दी करना होगा। कौन उनकी मदद करेगा? उन्हें किसी चमत्कार की ही उम्मीद है, या फिर एक ट्रिक? हुर्रे, दोनों बच गए। निक को मेंटोस पसंद है, पर बिना अपने बेस्ट फ्रेंड के कैसी कैंडी। अब इस चमकती हुई लाल चीज की बारी है। कोला के साथ हमेशा एक धमाकेदार मिक्सचर बन जाता है। ओह ओह, फोम पार्टी जोरों शोर पर है। गीली टी शर्ट का कॉम्पिटिशन चालू हो गया। मजे करो लड़कियों। जब आप डाइट पर हो तो एक लड़की होना मुश्किल है, और अगर आप भूखे सोने जाते हैं तो खाना आपकी नींद के बीच आ जाएगा। लगता है अब हेली के कुछ खाने का समय हो गया। केला ही एक ऐसा फल है जिसका छिलका खूबसूरती से निकाला जा सकता है। इवनिंग बनाना आउटफिट को 0 से 10 के बीच रेट कीजिए। आपको क्या लगता है? मैक्स जैपनीज खाने का शौकीन है, पर सुशी लैंड में अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। आज सुंदर निगरी लड़ने को तैयार है। क्या वॉर है, उसने होशियारी से अपने प्रतियोगियों को हरा दिया। हाँ, जीत हमेशा सिर्फ किसी एक की ही होती है। ओ, लगता है किसी को इलाज की जरूरत है। निगरी अब एक डिनर क्वीन है। इस जीत के लिए बधाई हो। हेली को रात में साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद है, और इस वजह से उसे बनाना मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। शायद उसे कोई और किताब पढ़नी चाहिए। स्किटल कैंडीज को चुनना जैसे कोई ब्यूटी कंपटीशन होता है, जहां हर लड़की अपने आप में सुंदर है। जब वो सभी चमकदार हों तो कैसे चुना जाए? ओ ला ला, इन ब्यूटीज को किसी को भी दीवाना बनाना आता है, पर एक को ही क्यों चुने? इन सबको एक ही बार ट्राई करना बेटर है। बढ़िया आइडिया। निक की किस्मत आज अच्छी है, उम्मीद है उसकी शाम अच्छी बीतेगी। टॉम गर्मियों तक अपना वजन कम करना चाहता है, और बीच पर अपने सुंदर एब्स को शो ऑफ करना चाहता है। हेल्दी खाने से ही सारी उम्मीद है। अभी थोड़ा केक खाना अच्छा है, पर सारा नहीं। अब रिजल्ट चेक करना चाहिए। उप्स, लगता है एक्स्ट्रा पाउंड्स नहीं जा रहे। तो वो यहां से आते हैं? ओह नो, वापस ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा। एलेक्स को तरबूज में बीज पसंद नहीं है,
इसलिए तरबूज को अक्सर बार्बर शॉप जाना पड़ता है। आखिर वो एक बढ़िया दाढ़ी के साथ ही एलेक्स को इम्प्रेस कर सकता है। ये ठीक है। उप्स, लगता है हमें दूसरा बार्बर ढूंढना चाहिए। टी बैग की जिंदगी शानदार है। रोजाना स्पा ट्रीटमेंट्स और ढेरों गर्म बाथ्स। सबको बहुत मजा आता है। एलेक्स के लिए स्ट्रॉबेरीज वाली खुशबूदार चाय और बैग के लिए सुकून, जिसका लंबे समय से इंतजार था। हे भगवान, जॉम्बी ब्रोकली आ रही है। हेली, खुद को बचाओ और तेज, या फिर से किसी ने सोने से पहले खाना नहीं खाया। हेली की मनपसंद चॉकलेट्स। उप्स, चॉकलेट खुद एक बहुत क्रिएटिव लड़का है। उसे हर जगह अपने निशान छोड़ना पसंद है। शुक्र है वो कभी भी डेंटिस्ट से मदद ले सकती है। वो जानता है इस बदमाश को कैसे भगाना है। हेलो हॉलीवुड स्माइल। बोनी को कैबेज सैलड के लिए एक दिलचस्प रेसिपी मिली है। उसे ज्यादा क्रिस्प पत्ते चाहिए। शुक्र है कैबेज के पास बहुत सारे हैं। ओ, ये लड़कियां भी, इनको कभी भी पैसे काफी नहीं लगते। दुख की बात है वो जल्दी खत्म हो गए। अब हमें किस्मत के तोहफों का इंतजार करना पड़ेगा या फिर नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पिज्जा की जिंदगी सरप्राइजेस से भरी है। आज सलामी का एक रैश और कल स्किन पर हल्की सी चीज कोटिंग। ओ, शेफ्स की ये ट्रिक्स। जरूरी है कि घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए और खुद को जैसी तुम हो वैसे ही अपनाओ। आखिर शेफ की नजरों में हर पिज्जा अपने आप में खूबसूरत होता है। टॉम के लंच बॉक्स के लिए ऑडिशन हमेशा सख्त होते हैं। सैंडविच को इजाजत मिल गई। सुंदर गाजर भी पार्टी में जाना चाहती है, क्यों नहीं। ब्रोकली के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी उसके साथ पार्टी में जाएगी या उन्हें डिनर के लिए छोड़ देना चाहिए। खैर नहीं यार, आप आज की गेस्ट लिस्ट में नहीं है, कोई और पार्टी ढूंढ लो। जेन आज एक फ्रूट खा रही है। पर पाइनएप्पल के पास एक जरूरी पिंचिंग मिशन है। क्रेजी क्लोथ पिन काम कर रही हैं। जेन शायद एक और बाइट। एवोकाडो की जिंदगी बहुत मुश्किल है। पतले होने के लिए ढेर सारी मेहनत करना। वजन कहाँ रखें जब आप एक पसंदीदा हेल्दी नाश्ता हो पर तुम्हें अपनी शेप से दिक्कत है। कोई भी स्पोर्ट्स का सामान इस्तेमाल करो। जिम में आधा दिन निकल गया और कुछ नहीं हुआ। क्या फ्रूट के लिए फिट गर्ल होना सच में नामुमकिन है। कम ऑन, एक बार और। हुरे, ये जीत है। अब एवोकाडो केले से भी पतली है। मिस्टर सॉसेज कभी जल्दबाजी नहीं करते। वो ध्यान से अपना लुक तैयार करते हैं। वो एक असली जेंटलमैन है और हमेशा समय पर आता है। सिर्फ एक बेहतरीन लड़की ही ऐसे लड़के के लायक है। ओ नहीं, वो फिर से टेबल मैनर्स भूल गई। सबको अंगूर पसंद हैं, खासकर हर एक अंगूर के मुंह में बस्ट होने का एहसास। पर उस लड़के के लिए अपनी बैरी से अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। उसे जेन की भूख अच्छी नहीं लगती। वो दुष्ट है। यहां तक कि आखिरी बैरी के बचने का भी कोई चांस नहीं है। स्वागत है, ये है फैन फेवरेट, हमारे पिज़्ज़ा प्लेस थिएटर के सबसे होनहार एक्ट्रेस में से एक। प्ले में उसके रोल रेड एंड व्हाइट ने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया।
हर बार फैंस अपने आइडल पर टमाटरों की बारिश करते हैं और क्रिटिक खुशी से उसे गॉरमेट चीज देते हैं, ब्रेविसिमो पिज़्ज़ा।